ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आपसे अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। जो मैं चर्चा कर रहा था उसको आगे बढ़ाऊँगा। मैं चर्चा कर रहा था कि अक्टूबर 2023 में 7 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों में, ग्रहों के गोचर में स्थान परिवर्तन हो रहे हैं। तो 7 बड़े परिवर्तन पहले अक्टूबर से 30-31 अक्टूबर तक, तो हर राशि को मैं चर्चा कर रहा हूँ, मेष से लेकर मीन तक किस राशि को क्या फल मिल रहा है वो चर्चा करते करते देखिए मैं तुला राशि पर आ गया हूँ। तो मैं तुला राशि की चर्चा करूँगा, लेकिन आपको पहले निवेदन कर दूँ कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में देखिए जाते जाते माँ गणेशाय नमः लिखें या कुछ और लिखना चाहें वो लिखें। भगवान गणेश आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। और मित्रों देखिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आप मेरे इस प्रोग्राम को चाहे तो चंद्र राशि से देखें, चाहे लग्न राशि से देखें, चाहे नाम राशि से देखें, पर अपना सटीक भविष्यफल जानने के लिए फिर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। ये तो जनरल कुंडली है, हर एक जो भी एक राशि का करोड़ों आदमी है तो सबका एक सफल नहीं हो सकता। तो मित्रों देखिए अब क्या मैं बता रहा हूँ, अब मैं तुला राशि के लिए बता रहा हूँ कि तुला राशि के लिए इस महीने यानी अक्टूबर में 2023 में 7 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो पहला परिवर्तन पहली अक्टूबर को क्या हो रहा है, बुध जो है कन्या राशि में जा रहे हैं, सिंह राशि से निकल कर। तो कन्या राशि कहाँ है, तुला राशि के लिए 12वें भाव में। तो 12वें भाव में बुध आ गए यानी विदेश के भाव में बुध आ गए, तो विदेश से संबंध बन गया तुला राशि वालों का। विदेश जाना हो सकता है, विदेश व्यापार हो सकता है, विदेश में नौकरी हो सकती है, यानी विदेश से लाभ हो गया, धन की प्राप्ति विदेश से होगी भाई। और 12वें भाव में बैठकर 6वें भाव को देख रहे हैं, 6ठा भाव में मीन राशि है। मीन राशि जो है बकरी बृहस्पति का बल पाए हुए, ताकत पाए हुए, यानी यही मान लो कि बृहस्पति ही बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो एक तरह से बृहस्पति की ताकत वहाँ है। तो बृहस्पति पर समझ लो दृष्टि पड़ रही है बुध की 12वें भाव से और बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है 6ठे भाव से 12वें भाव पर बुध को। तो ये बुध बृहस्पति की राशि मीन, उधर जो है बुध बैठे हुए हैं कन्या राशि में। तो ये जो है योग जो है बुध का कन्या राशि का मतलब 12वें भाव से 6ठे भाव से, यानी विदेश से तो लाभ दिलाएगा ही दिलाएगा, प्लस थोड़ा खर्चा होगा, प्लस बीमारियां भाग जाएंगी, प्लस आपके शत्रु तंग नहीं कर सकते, प्लस आपके कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो सफलता हासिल होगी, क्योंकि बुध देख रहे हैं 6ठे भाव को। टेम्प्ररी कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए जैसे कि ठंड की वजह से गला खराब हो जाए, कुछ खांसी जुकाम हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन बाकी कोई बीमारियां तंग नहीं करेंगी आपको। तो पहला चेंज हुआ बुध का कन्या राशि में आए 12वें भाव में। दूसरा चेंज हो रहा है 2 अक्टूबर को शुक्र जो है सिंह राशि में आ रहे हैं, कर्क राशि से निकल कर सिंह राशि में, यानी सिंह राशि कहाँ है 11वें भाव में है। तो 11वें भाव लाभ भाव में, लाभ भाव से दृष्टि पड़ेगी सामने 5वें भाव पर जहाँ कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो शुक्र का शनि का आपस का दृष्टि होगी, दृष्टि संबंध बनेगा, समसत्ता योग बनेगा। शुक्र जो है दैत्य गुरु है, शनि दैत्य हैं, तो दैत्य गुरु और दैत्य आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो शुक्र के देखिए लाभ भाव में आ जाने से, लाभ भाव में तो हर ग्रह लाभ देता है, शुक्र धन के स्वामी हैं काल पुरुष की कुंडली के, धन के स्वामी होने से शुक्र जो है तुला राशि वालों को बहुत धन संपदा, यानी डिफरेंट सोर्सेस से धनी धन देंगे। और पंचम पर दृष्टि पड़ रही है जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, वो भी उच्च के हैं, तो शुक्र जो है पंचम पर दृष्टि जाने से संतान को भी लाभ पहुँचाएंगे, संतान की तरक्की, संतान की नौकरी में तरक्की, शिक्षा में तरक्की, प्रेम प्रसंग चल रहा कोई जातक का तो सफलता मिलेगी। शुक्र शनि दोनों मिलकर के जो है बड़ा अच्छा बना रहे संबंध, क्योंकि दोनों ही जो है
डेथ है और डेथ शनि के साथ सुख। अगर आप सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तुला राशि वालों, तुला राशि वैसे भी शनि की प्रिय राशि है, तो शनि तो लाभ देंगे ही देंगे। शनि की दृष्टि ग्यारहवें में भी धन दे रही है, धन के स्वामी को भी देख रहे हैं शनि और शुक्र बैठे हुए हैं, तो तुला राशि को तो धन तो मिल ही रहा है बहुत अच्छा डिफरेंट सोर्सेस से, और पंचम से भी, संतान से भी धन मिल रहा है, संतान की नौकरी में तरक्की हो रही है, संतान को शिक्षाओं में सफलता मिल रही है, संतान एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन वगैरह पा सकती है सरकार से। तो ये दूसरा चेंज हुआ 2 अक्टूबर को। तीसरा चेंज हो रहा है 3 अक्टूबर को मंगल का हो रहा है। मंगल जो है देखिए तुला राशि में ही आ जाएंगे, तुला राशि कहाँ, लग्न में पहले भाव में, तो मंगल भूमि पुत्र मंगल लग्न में आकर पहले भाव में बैठ गए तो जातक का शरीर स्वास्थ्य अच्छा, बीमारियां भाग जाएंगी, हिस्ट पोस्ट शरीर, मांगलिक कार्य होंगे तो उनमें बड़ी रुचि से भाग लेगा, और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन का, जहाँ मेष राशि बैठी है जिसमें राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो मेष राशि पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर, तो देव गुरु और सेनापति, ग्रहों के सेनापति मंगल आपस में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। वैसे मंगल की और 4 में दृष्टि 8वीं दृष्टि होती है, तो उनको मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 4थी दृष्टि भी आप देख सकते हैं कि मंगल की 4थे भाव में पड़ेगी, तो भूमि पुत्र मंगल वैसे सुख साधन की वृद्धि कराएंगे, सुख साधन भूमि भवन बंगला गाड़ी सब कुछ दिलाएंगे मंगल। और सप्तम भाव पे देखिए दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जरा भी कोई आप में परेशानी थी, कोई टेंशन थी, हालांकि मंगल वहाँ आने से मांगलिक दोष बनता है, लेकिन वो मांगलिक दोष शादी ब्याहों के लिए बनता है, पर जो ऑलरेडी विवाहित लोग हैं उनको तो अच्छा ही है। शादी वाले जो नए शादी करेंगे उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और तो 3 अक्टूबर को मंगल ने आकर के तुला राशि में आकर के ये मेष राशि पर दृष्टि डाली, बृहस्पति और राहु पर भी। और देखिए 18 अक्टूबर को अगला चेंज आएगा, जहाँ सूर्य जो है, सूर्य भी जो है यहीं आगे लग्न में मंगल के पास तुला राशि में। अब तक सूर्य कन्या राशि में थे, 18 अक्टूबर को तुला राशि में आ गए लग्न में ही, और दृष्टि पड़ेगी सप्तम पे, तो मंगल के साथ साथ सूर्य भी अब जातक के लग्न को बलवान बनाएंगे, शरीर को हृष्टपुष्ट बनाएंगे बलवान, बीमारी रहित, और दाम्पत्य जीवन को, पार्टनर्स को, बिजनेस में पार्टनर्स को अच्छा लाभ देंगे, यानी जो बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पार्टनर्स हैं तो सब सहयोग होगा, और दाम्पत्य जीवन में भी सूर्य की तरह चमक आएगी। थोड़ा सा बस यही है कि मंगल सूर्य दोनों ही हैं, तो अपना वाणी में थोड़ा सा मिठास रखिएगा, क्रोध को कंट्रोल रखिएगा। अगर दोनों ही ग्रह क्रोधी, सूर्य और मंगल रेड प्लैनेट कहलाते हैं दोनों, तो आपके क्रोध को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे जातक, तुला राशि वाले जातकों को अपना क्रोध पर कंट्रोल रखना चाहिए और वाणी को मीठा रखना चाहिए, तो आपको लाभ रहेगा सप्तम से भी और लग्न से भी। और अगली चेंज आया 19 अक्टूबर को ही फौरन, तो बुध भी जो है तुला राशि में आ गए, लग्न से छोड़ करके कन्या राशि को छोड़ करके यानी तुला राशि से पहले भाव में ही है ना, तो 12वें भाव में थे अब तक, 12वें भाव से वो पहले भाव में आ गए। पहला भाव लग्न का, तो सूर्य मंगल बुध आ गए, 3-3 ग्रह, और केतु भी वहाँ पर हैं, 4 ग्रह लग्न में बैठ गए, तो जातक के शरीर को तो बहुत ही अच्छा बलवान और धार्मिक विचार का, और बड़ा मतलब कर्म क्षेत्र में बड़ा कर्म भाग भाग के एक्टिव होकर काम करेगा आगा, तो कर्म क्षेत्र से भी उसको लाभ मिलेगा। और देखिए वो 4 ग्रह सप्तम को दिख रहे हैं जहाँ बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं, तो वहाँ 6 ग्रह का एकदम हो गया, और 2 ग्रह लग्न को दिख रहे हैं जहाँ 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो 6 ग्रह का संयोग बन रहा है, 4 बैठे हैं 2 दिख रहे हैं, इधर 2 बैठे हैं 4 दिख रहे हैं, तो 6 ग्रह ही संयोग बन रहा है बड़ा ज़बरदस्त, पहले भाव में और 7वें भाव में, लग्न पर और दाम्पत्य जीवन पर। तो ये भाई तुला राशि वालों को तो बहुत ज़बरदस्त, सूर्य मंगल बुध केतु बृहस्पति और राहु 6-6 ग्रह बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रहे हैं, सब तरह का सुख संपत्ति दे रहे हैं। तो ये आपका देखिए अगला, ये 5 हो गए, और 6वां चेंज आएगा 30 अक्टूबर को राहु का। राहु जो है
अब तक जो है मेष राशि में थे तो अब मीन राशि में आएंगे, यानी छठे भाव में आ जाएंगे, अब सातवें भाव में थे अभी, तो बृहस्पति को छोड़ करके छठे भाव में जब राहु आ गए तो राहु ने आकर शत्रुओं को भगा दिया, बीमारियों को भगा दिया। राहु बड़ी सोच आपकी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा मानसिक परेशानी थोड़ी आ सकती है, आप ऊंची ऊंची सोच होगी और दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव, तो आपको विदेश भेज देंगे। केतु भी वहाँ बैठे हुए हैं बारहवें भाव में, अगला चीज आएगा केतु का सातवां, कि केतु भी जो है तुला राशि छोड़ के कन्या राशि में जाएंगे, यानी बारहवें भाव में। राहु छठे भाव में, केतु बारहवें भाव में, आपस में दृष्टि होगी तो सुख बढ़ाएंगे, बीमारी भगाएंगे और विदेश यात्रा कराएंगे, विदेश से लाभ दिलाएंगे, विदेश राहु विदेश भेजते हैं, राहु की दृष्टियाँ भी और राहु का भी जो है और विदेश से लाभ दिलाते हैं। तो ये इस तरह से मैं देखता हूँ, देखिए सात परिवर्तन जो हुए, पहली अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को, दो तो ये सात परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, फिर बुध का परिवर्तन और ये शुक्र का परिवर्तन और राहु केतु का, ये एक महीने में इतने परिवर्तन तुला राशि वालों को अच्छा लाभ दे रहे हैं, बढ़िया, कोई नुकसान नहीं है ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ ये महीना अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों मैं अभी यहाँ विराम लेता हूँ, देखिए आगे आऊँगा तो अगले राशि की चर्चा करूँगा। मित्रों नमस्कार।